ये तो है चॉकलेट। जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो ये किताब है कहानियों की, इसको पढ़ना, ठीक है? शाबाश, लाओ दूसरी बहन के लिए भी। की तरफ से जो ये व्हील चेयर हैं और जो काम की मशीनें हैं उन्हें अपने मुबारक हाथों से, जो लाभार्थी है गुरमिलो पंकज और चिंतो उन्हें भेंट कर रहे हैं। इसके उपरांत का अपने कृपया जल्दी से मंच पर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन साधारण की समस्याएं जमीनी हकीकत पर लोगों से सीधा सुनने गांव उमरी व राम शरण माजरा पहुंचे। मुख्यमंत्री बोले, गरीब को उनके अधिकार दिलाना ही उनका उद्देश्य है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस द्वारा उपलब्ध करवाई गई व्हील चेयर व श्रवण यंत्र संबंधित 4 व्यक्तियों को वितरित करने का भी काम किया। उमरी गांव में आयोजित जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने गांव उमरी में 2 एकड़ में बनाए जाने वाले सामुदायिक भवन, सरकारी स्कूल के कंडम भवन का नवीनीकरण करने, व्यायामशाला के लिए बजट मंजूर करने, गांव की 2.5 एकड़ फिरनी को पक्का करने, प्रजापत धर्मशाला के साथ साथ अन्य कुछ धर्मशालाओं को पक्का करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने उपस्थित ग्रामीणों को अवगत कराते हुए कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के दौरान अब तक 16,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2600 आवेदनों से संबंधित कार्य हो चुके हैं। 11,000 पर काम जारी है और 2500 आवेदन अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात आज लाडवा हलके के गांव राम शरण माजरा में जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने मौके पर ही 60 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्गों को जन संवाद कार्यक्रम में बनाए गए डेस्क पर भेजा और मौके पर ही परिवार पहचान पत्र की डिटेल डालने के बाद 5 की पेंशन शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने 5 को बुढ़ापा पेंशन शुरू होने संबंधी सर्टिफिकेट भी दिए। मुख्यमंत्री ने आज राम शरण माजरा गांव में 2 एकड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का भी शिलान्यास किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लोगों की समस्याएं सुनी और आज यहाँ लाडवा विधानसभा क्षेत्र का यह दूसरा जन संवाद कार्यक्रम है गांव रामशरण माजरा। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले जो रेडक्रॉस की तरफ से जो योग्य प्रार्थियों ने सम्मान वितरित किया और उसके बाद अब सामुदायिक केंद्र का अपने कृपया जल्दी से मंच पर आए। कृपया जोर से तालियां बजाएं। इस समुदाय केंद्र पर 2,72,00,000 का बजट जो खर्च किया जाएगा और इसका निर्माण पंचायती राज विभाग की तरफ पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे मंडल प्रधान जसविंदर जी, मंडल अध्यक्ष जसविंदर जी वो भी मंच पर आए और मुख्य अध्यक्ष और पगड़ी पहनाकर पौधे और जो कान की मशीनें हैं उन्हें अपने मुबारक हाथों से, जो लाभार्थी है अमन गुरमिलो पंकज और चिंतो उन्हें भेंट कर रहे हैं। इसके उपरांत मान्यंगे और गांव बात देंगे। तो पहले जन संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लोगों की समस्याएं सुनी और आज यहां लाडवा विधानसभा क्षेत्र का यह दूसरा जन संवाद कार्यक्रम है। इसके बाद पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। जोर से तालियां बजाएं। एक मिनट सर। इस समुदाय केंद्र पर 2,72,00,000 का बजट जो खर्च किया जाएगा और इसका निर्माण पंचायती राज प्रशासन और ग्राम पंचायत की तरफ से प्रेजेंट हो गए। तो पहले आपने कोई फॉर्म भरा था?
बहुत करे, अब किसी को भरने की जरूरत नहीं है, अब एक घंटे में तैयार होते हैं। चलिए चलो चलिए दूसरा सतपाल पुत्र शंभू। अरे बस बस बस, 2750 रुपए महीने के नहीं लेते नोट, अब आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या करोगे उसका? अपने खर्चे चला लेंगे। अभी कौन करता है खर्चा? बच्चा, तो बच्चा बाद में करना बंद कर देगा, तो फायदा फिर आपको थोड़ा ही हो, तो बच्चे को हो गया। मैडम मैडम मैडम, बार बार ना आओ, बार बार। चलिए ठीक है, आप अपने खर्चे के लिए उसका उपयोग करना और उसको भी लेकर आना उसे भी। चलिए गंजा सिंह, उम्र कितनी है? 62 साल। क्या करते हो? आप बनाते हो। इनकम कितनी है? अब देख लूंगा मैं, आमदन ज्यादा हुई तो वापस ले जाएगी। इस सेवा से मिल नहीं मिलता, ये तो 60 साल के हिसाब से मिलता है। चलिए धर्मपाल, मावा कह लिया, आपकी पेंशन बढ़ा, आपके लिए एक छोटी सी भेंट। चलो बहुत बहुत बधाई आपको, बच्चे आपके साथ आए हैं। चलो शाबाश बच्चों, मम्मी को बधाई दो आज। चलो, और एक जिनका जन्मदिन अपना है वो बेटी है तन्वी, तन्वी नाम है तुम्हारा है, और आपकी बेटी है, शाबाश। तो इसको ये तन्वी को संदेश, और एक इसके लिए चॉकलेट का डिब्बा। किसको खिलाओगी है? पापा को, अरे अपने साथियों को, अपनी सहेलियों को, उसको खिलाओ। ये लो, ये पकड़ो, और एक तो बड़ी हो जाओगी तो एक कहानियों की किताब है तुम्हारे पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ोगी ना? ना पढ़ा। चलिए, और एक है रमेश कुमार, आप हैं? बस बस बस, लाइए, ये आपका शुभकामना संदेश, और आपके लिए एक शॉल। बहुत बहुत बधाई। ठीक है, चलो।